हेलो एवरीवन, आप सभी का करंट अफेयर्स 360 में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 2 सितंबर के करंट अफेयर्स। इसी के साथ ही अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ फाइल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो हाल ही में अवीक सरकार को पीटीआई यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और यह रिप्लेस करेंगे विजय कुमार चोपड़ा को। तो यही है अवीक सरकार जी। तो अगर बात करें पीटीआई यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के बारे में, तो यह इंडिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है और इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो पीटीआई का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में किस समूह ने हिस्सेदारी हासिल की? रिसेंटली विच ग्रुप हैज एक्वायर्ड स्टेक इन मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड? तो हाल ही में मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के 74% हिस्सेदारी को एक्वायर कर लिया है अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड। अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड अडानी ग्रुप की ही कंपनी है और इसने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 74% की हिस्सेदारी खरीद ली है। तो अगर बात करें अडानी ग्रुप के बारे में, तो इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर हैं गौतम अडानी और इस मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हिस्सेदारी को परचेज करने के बाद अडानी ग्रुप दुनिया भारत के अंदर सबसे बड़ा प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर बन गया है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक नियुक्त की? रिसेंटली विच स्टेट हैज अपॉइंटेड इंडियाज फर्स्ट एवर वुमेन एम्बुलेंस ड्राइवर? तो हाल ही में तमिलनाडु के अंदर भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर नियुक्त की गई है और इनका नाम है एम वीरा लक्ष्मी जी। तो हाल ही में तमिलनाडु के सीएम ई पलानी स्वामी ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था और 108 एम्बुलेंस के नामक, और इसी के अंदर एम वीरा लक्ष्मी जी को एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर नियुक्त किया गया है और यह भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बन गई हैं। तो अगर बात करते हैं तमिलनाडु के बारे में, तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, तमिलनाडु के गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित जी और तमिलनाडु के सीएम कौन है? ई पलानी स्वामी जी। तमिलनाडु के अंदर लोकसभा की 39 यानी 39 सीटें हैं और राज्यसभा की 18 यानी 18 सीटें हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समुद्री विमान सेवा 31 अक्टूबर से किस राज्य में शुरू होगी? सी प्लेन सर्विस विल स्टार्ट फ्रॉम 31 अक्टूबर इन विच स्टेट? तो 31 अक्टूबर से गुजरात के अंदर सी प्लेन सर्विसेज स्टार्ट की जाएंगी और इन सी प्लेन सर्विसेज को कौन ऑपरेट करेगा? ऑपरेट करेगा स्पाइस जेट एयरलाइन। और यह सी प्लेन सर्विस कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएंगी? यह साबरमती रिवर फ्रंट जो कि अहमदाबाद में है, यहां से लेके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक चलाई जाएंगी। तो अगर बात करते हैं गुजरात के बारे में, तो गुजरात के बारे में आपको पता होना चाहिए, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत और गुजरात के सीएम है विजय रूपानी जी। गुजरात के अंदर लोकसभा की 26 यानी 26 सीटें हैं और राज्यसभा की 11 यानी 11, यही है सी प्लेन, आप देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना में €650 मिलियन का निवेश कौन सा बैंक करेगा? विच बैंक विल इन्वेस्ट €650 मिलियन इन कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट? तो हाल ही में कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के अंदर €650 मिलियन के निवेश के लिए यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से करार हुआ है और यह €650 मिलियन की मदद करेगा। तो अगर बात करें यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में, तो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने अब तक 4 परियोजनाओं में इन्वेस्ट किया है जो कि हैं भोपाल, पुणे, बेंगलोर और लखनऊ मेट्रो। इन 4 में हो गया, अब पांचवा हो जाएगा कानपुर। तो चलिए अगर बात करें यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है?
इसका हेडक्वार्टर है किर्चबर्ग लग्जमबर्ग में, और इसके प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट है वर्नर होयर। और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 1958 में। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने COVID-19 रोगियों को भोजन दवाइयां देने के लिए मेडबोट नामक रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली विकसित की? रिसेंटली हु डेवलप्ड रिमोट कंट्रोल्ड मेडिकल ट्रॉली नेम्ड मेडबोट टू डिलीवर फूड मेडिसिन्स टू COVID-19 पेशेंट्स। तो हाल ही में मेडबोट नामक एक रिमोट कंट्रोल ट्रॉली विकसित की गई है, और इसको विकसित किया है इंडियन रेलवे, यानी भारतीय रेलवे ने मेडबोट नामक यह रिमोट कंट्रोल मेडिकल ट्रॉली को विकसित किया है, और इस ट्रॉली के माध्यम से फूड और दवाइयाँ COVID-19 से पीड़ित मरीजों को दी जा सकती हैं। तो अगर बात करें इंडियन रेलवे के बारे में, तो इंडियन रेलवे के मिनिस्टर कौन है यूनियन? तो भारत इंडियन रेलवे मिनिस्टर हैं श्री पीयूष गोयल जी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष किस राज्य में स्थापित किया गया? रिसेंटली द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर ट्री हैज बीन इंस्टॉल्ड इन विच स्टेट? तो आप देख सकते हैं यही है वह सौर ट्री, और इसको स्थापित किया गया है वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर में CSIR सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के रेजिडेंशियल कॉलोनी के अंदर इस सोलर ट्री को इंस्टॉल किया गया है, और इसके माध्यम से यह एनुअली 12,000 से लेकर 14,000 यूनिट तक एनर्जी जनरेट कर सकेगा। तो अगर बात करते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में, तो वेस्ट बंगाल के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसकी कैपिटल है कोलकाता, और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़ जी, और वेस्ट बंगाल के CM हैं ममता बनर्जी। वेस्ट बंगाल के अंदर लोकसभा की 42 सीट्स हैं और राज्यसभा की 16। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन रोब इन एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मिंत्रा? तो जैसा कि आप जानते हैं मिंत्रा एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जो कि फैशन प्रोडक्ट्स को सेल करती है, जैसे कि कपड़े हो गए और भी एक्सेसरीज हैं, और इसी के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर हाल ही में कियारा आडवाणी को चुना गया है। तो कियारा आडवाणी मिंत्रा की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। तो अगर बात करें मिंत्रा के बारे में, तो मिंत्रा की पेरेंट कंपनी कौन है? फ्लिपकार्ट। और मिंत्रा के CEO कौन है? अमर नागाराम। और मिंत्रा की स्थापना हुई थी 2007 में। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने भारत को 3500 करोड़ रुपए का विकास सहायता ऋण दिया है? रिसेंटली विच कंट्री हैज गिवन अ डेवलपमेंट असिस्टेंस लोन ऑफ ₹3500 करोड़ टू इंडिया? तो हाल ही में जापान ने भारत को 3500 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट असिस्टेंस लोन का ऋण प्रदान किया है, और इस लोन के माध्यम से जो भी हेल्थ केयर सिस्टम है उसको मजबूत बनाया जाएगा ताकि कोविड क्राइसिस से निपटने में मदद हो सके। तो इस लोन को सैंक्शन करते टाइम हमारे सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स डॉक्टर CS महापात्रा और जापान के एम्बेसडर सुजुकी सांतोशी जी ने यह साइन किया है लोन को लेकर डॉक्यूमेंट। तो अगर बात करते हैं जापान के बारे में, तो जापान की कैपिटल है टोक्यो, जापान की करेंसी है जैपनीज येन, और जापान के PM कौन है? शिंजो आबे। आपको यह पता होना चाहिए कि हाल ही में जापान के PM शिंजो आबे ने हेल्थ रीजंस को लेके रिजाइन कर दिया था, और वह अक्टूबर तक शायद अपने पद पर बने रहेंगे, उसके बाद जापान में नए PM को चुना जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 21वें राष्ट्रीय पुरस्कार में एनर्जी एक्सीलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट के लिए किस हवाई अड्डे ने राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर और उत्कृष्ट ऊर्जा कुशल इकाई के प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं? रिसेंटली विच एयरपोर्ट हैज वॉन द प्रेस्टिजियस अवार्ड्स ऑफ नेशनल एनर्जी लीडर एंड एक्सीलेंट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट एट द 21st नेशनल अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट? तो हाल ही में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, इसने नेशनल एनर्जी लीडर और एक्सीलेंट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट के अवार्ड जीते हैं 21st नेशनल अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट में।
इन अवार्ड्स को ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया था? इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर द्वारा। तो अगर बात करें राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, तो यह हैदराबाद में स्थित है, यह आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं क्विज क्वेश्चन की ओर। तो आज का क्विज क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने फ्यूचर समूह का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? रिसेंटली विच कंपनी हैज अनाउंस टू एक्वायर द फ्यूचर ग्रुप? तो आपको मुझे बताना है कि किस कंपनी ने फ्यूचर ग्रुप को एक्वायर कर लिया है और कितनी लागत में एक्वायर किया है। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज के करंट अफेयर्स में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ ही अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर करेंट अफेयर्स वीडियो आसानी से मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं कल के करेंट अफेयर्स वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।